अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाभी तो शाही। चलो भाई, देखो अपने मिर्जा को नेशनल चैनल पे बिठाया जाए। क्यों, किस लिए, कैसे? इसकी इल्मी सलाहियत और काबिलियत 5 मिनट में खुल के सामने आ जाएगी। मैं 3 सेकंड जो गाल करता था काम पाके रख जाता था। ये दो शख्सियत को मिर्जा के सामने बिठाया जाए। हां जी, दसो। हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब ना गया रिजवी, उनको उनके सामने बिठाया जाए। चल 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 चल। एक्शन। यानी आपकी जिंदगी में ना तो आपका कोई इलाका चिश्त है और ना ही इस तरह का कोई आपके साथ कोई निस्बत है चिश्ती वाली। ठीक है समरिया। ये चिश्ती का लफ्ज जो है बताता है कि ये बात में किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया ये बात। और एक सरकार, रुको जरा, सबर करो, आपको बताते हैं। चंद साल पहले तक तो आप अपने मुनाजरों में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते थे। फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। क्योंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। और ये छोटू बैठ के कह रहा है सुभान अल्लाह, मैं गुलामों में से एक हूँ। सभी नरम गरम नरम गरम। हाँ भाई, आगे स्वाद। वंस मोर। और किबला, पीर सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब, उनको सामने बिठाया जाए। जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते होने कहनी मेरे इंजीनियर ना मुनाजरा करा। मुझे बताइए तो सही, ये कौन है? नहीं, ये है बाबी। सिर्फ आप तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो, अफ्रीका दा बांदर लगेगा। रुक जा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अल्लाह ने हजरत शाह साहब को ये कमाल दिया है और इतनी मजबूत और अथेंटिक बात है। अच्छा, वो जय्यद उलमा, मुहक्किक उलमा अता किए हैं जो हर बात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी अंदाज में रद कर रहे हैं। फिर हमने क्या कहा, सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। और मैं तुहानू बार बार कह रहा, बहुत बुरा वक्त आया जे मौलवियां दे उत्ते, इस तू पैड़ा वक्त कदे फिर क्या ने वेख्या ही नहीं सी।